हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम मेरा अंकार। नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। तो दोस्तों, ट्वे ब्रो भाई का वीडियो आ गया। टाइटल है ये, जय शाह की साजिश है भाईजान। जय शाह ने क्या कर दिया, देखते हैं। प्ले करें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। 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 अच्छे अच्छे फैसले हो चुके हैं कि अब तो यकीन हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान कोई कमाल ही कर दिखाएगा। अच्छा ए वल्लू, बता 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 इसे बता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। अब बोलिए कैसा लग रहा है? मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल में। काफी समय से पोलको के जहन में एक सवाल उफान मार रहा था। ना वो पोलको को चैन से सोने दे रहा था, ना वो खुल के बोलने दे रहा था। और वो सवाल क्या था? सवाल ये है कि आईसीसी का नया चेयरमैन कौन बनेगा। और पोलको को इसका जवाब क्या मिला? भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराया। और इसी के साथ पोलको का दुख। 12 बेसिकली मुल्क थे इस वोटिंग में। 12 के 12 मुल्कों ने वोट दिया है जय शाह को। किसी एक मुल्क में हिम्मत नहीं थी वो जो है जय शाह को अपोज करते। तो झोपड़ी वालों, तुम ही हिम्मत दिखा देते। तुम तो जज्बे वाली कौम हो। 12 में से एक मुल्क पाकिस्तान भी तो था। तुमने जय शाह का विरोध करके अपना जज्बा क्यों नहीं दिखाया? तुम तो खुद कहते फिरते हो हमारे में पावर है। भाई पोलको की पावर का क्या है? सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। अब भाई आईसीसी का नया चेयरमैन कौन बनेगा, इसका जवाब तो पोलको को मिल चुका है। लेकिन अब इसी के साथ पोलको को नया सवाल क्या परेशान कर रहा है? क्या चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में खेली जाएगी? नहीं। इंडिया वाले अब क्या कहते हैं, हम जय शाह के पांव पाट दें? और इंडिया वाले क्या चाहते हैं? अब भाई वैसे तो पोलकी इंडिया के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, तो नई नई बकचोदी क्या निकाल कर ला रहे हैं? भारत का बैन अल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान। भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा। भारत जो है अब आईसीसी पे कब्जा करना चाहता है। रोती रहो रोती रहो। भाई जैसा कि आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद पोलको की इसके अंदर सुलगी पड़ी है कि बंदे उसका विरोध करने के लिए कुछ भी आदित्य बकचोदी कर रहे हैं। इधर जैसा ने आईसीसी का और संभाला भी नहीं था कि उधर पोलको की बकचोदी क्या शुरू हो गई। हम ना कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जय शाह के जी चेयरमैन बनने के चांसेस हैं आईसीसी के, तो अब वो बन चुके हैं और उनके बनते ही बाबर आजम रैंकिंग में नीचे आए हैं, 3rd नंबर से 9वें नंबर पे गए हैं। मतलब पोलको को इंडिया के खिलाफ कुछ भौंकने को नहीं मिला, तो बाबर की रैंकिंग के पीछे भी जय शाह का हाथ ठहरा डाला। अब भाई आप खुद इन पोलको की मानसिकता समझ सकते हो, बंदे कैसे भारत के खिलाफ अपने दिमाग का 0 IQ लेवल यूज करते हैं। अब जो भारत चाहेगा वही आईसीसी में होगा, यानी जेंटलमैन क्रिकेट को जिस तरीके से खराब भारत की जानिब से किया जा रहा है। अब मजीद आप देखेंगे तो मैं वो शख्स चेंजेस लेके आएगा जिस शख्स का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, जैसे पीसीबी चेयरमैन का तो क्रिकेट से बहुत बड़ा ताल्लुक है, तो वो स्टेडियम तोड़कर पाक क्रिकेट में बदलाव ला रहा है। अबे साले, मतलब झोपड़ी वालों ने खुद के बोर्ड का चेयरमैन पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर को बनाया हुआ है। और बंदों को ज्ञान किस पर पहनना है, जैसा पल। और बंदे अपने पीसीबी चेयरमैन में से फटे कैसे जाएंगे? इस वक्त आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है, जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है। उनको टास्क दिया गया है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में गनानी है। अच्छा। और आईसीसी चेयरमैन जैसा के पिताजी कौन है? इंडियन होम मिनिस्टर। और उन्होंने जैसा को क्या टास्क दिया है? अब मैं अपनी जुबान से बोलूंगी, खुद समझ जाएगा। नहीं आ रही टीम इंडिया, नहीं आ रही। मुझे तो भाई इन पोलकों की बेवसी पर हंसी हो जाती है। बंदे कल तक डीजे हाँकते हुए कहते फिर रहे थे, अगर भारत सपोज पाकिस्तान नहीं आता तो भारत को एक्सक्लूड करके आईसीसी से रिक्वेस्ट की जाए कि भारत को एक्सक्लूड करके उसकी जगह श्रीलंका को शामिल किया जाए। और आज जिस आईसीसी से ये इंडिया को बाहर करने की रिक्वेस्ट करने जा रहे थे, आज उसका मुखिया खुद इंडियन होना बैठा है। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? भाई बीसीसीआई ने पोलको की पूरी तरह लंका लगाई हुई है। पोलको की हालत ये हो गई है कि कल तक जो बंदे कहते फिर रहे थे भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, उनका आज कहना है भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सालों तुम सुद्दातंकी हो और तुम्हारे मुल्क में आना मतलब खत्म, इसलिए इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है। कौन कह रहा माखी? मतलब
पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकियों का अड्डा बना हुआ है। एक्सपेरिमेंट के नाम पर बंदे आज दिन अपने मुल्क में धमाके करते फिरते हैं। हमेशा बंदों के मुल्क में घिरे ये कुछ खड़ा रहता है, फिर भी बॉयजों की बकचोदी। पाकिस्तान एक अमन और मोहब्बत वाला मुल्क है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल भाई। भैर के घोड़ों के अमन और मोहब्बत के बारे में मैं क्या ही बोलूं। जब से आईसीसी का चेयरमैन ग्रेग बार्कले था, तब से कोई बॉय के मजहब को बीच में नहीं लाया। लेकिन जैसे ही जैसा आईसीसी चेयरमैन बना, जय शाह जो के भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। कोई सेंस है बात? ये इकलौता नहीं है, इसके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो जैसा के चेयरमैन बनते ही बावले हो गए हैं। एक पोर्की ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो जे शाह है ग्रेग बार्कले को प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो स्टेप डाउन करें और खुद जो है एज अ आईसीसी चेयरमैन आए। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मतलब पोलको को कुछ भोगने को नहीं मिल रहा, वो अपने मन से मनगढ़ंत कहानी पेल रहे हैं। और वैसे भी पोलको के पास अब बचा भी क्या है, जो पोलकी कल तक कहते आ रहे थे। किसी भी जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया गया कि कुछ भी हो जाए, ना तो हाइब्रिड मॉडल होगा, ना ये कहीं मूव होगी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में ही होगी। वो आज आईसीसी में इंडिया का रोला देखकर कहते फिर रहे हैं। भारत के दबाव के आगे आईसीसी ने भी घुटने टेक दिए। भाई आईसीसी क्या है? आईसीसी अब जय शाह है, आईसीसी कुछ नहीं करेगा, जय शाह है सब कुछ। चलो भाई लोंडे ने फैसला कर लिया, चलो भाई चलो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ब्रो भाई ने पता नहीं कहां कहां से वीडियो उठा के फिर मिक्स करके बोलता है कि पोर्की ऐसे बोलते हैं। एक तो नाम हमारा ठीक से नहीं लेता, पाकिस्तानी बोलो ना भाई। और ये जो जय शाह है भाई, उसके लिए हम क्या बोले भाई, वो खुद पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व है, उनका फादर अमित शाह होम मिनिस्टर है। और हम पाकिस्तानी तो ना ही बोले तो ठीक है, क्योंकि हमारा भी तो इंटीरियर मिनिस्टर है ना, तो बात सेम है दोनों कंट्रीज में। बाकी जो हमारे यहाँ के हालात हैं तो उसके लिए तो भाई इंडिया वो इंडिया नहीं है, इंडिया हमारे में घुसता ही नहीं। उनके अपने ही भाई बड़े बिजनेस हैं, बड़े काम हैं उनके, बिलियन डॉलर में वो खेल रहे हैं। हम क्या है, हम बस अपने जो भी अपने कांड होते हैं उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, इंडिया ने ये कर दिया। अब रैंकिंग का उससे क्या लेना देना, देश आया तो रैंकिंग गिर गई भाई। वो बाबर जिम्बाब्वे में खेला नहीं है तो इसलिए पॉइंट गिर गई हैं, क्योंकि जब प्लेयर खेलता नहीं है ना तो ऑटोमेटिकली उसकी पॉइंट गिरती हैं। और ये इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं या दो तीन जो लड़कियाँ देखी हमें, उनको ये जर्नलिस्ट बता रहा है, वो अपने भाई मंजन बेच रहे हैं। उनको आप हमारे से ना जोड़ेंगे, हमारे जर्नलिस्ट हैं, बड़े जो एक्सपर्ट हैं ना, जो पाकिस्तानी जियो चैनल वाले ARY वाले, उनकी बात हो तो फिर भी दाम है भाई। औरतें तो TRP के लिए जो करती हैं तो उनको अपनी जगह पे रहने दो। और क्या ही बोलूँ यार, टू ब्रो है बस, अभी ये हालात ऐसे हैं तो उड़ा ले मजा, हम क्या बोलें। हाँ भाई अभी तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं तो भाई उड़ाने दो, हम भी क्या करें भाई। पहले तो हमारे भड़के मार रहे हैं ना मीडिया वाले, नहीं भाई हमारी तरफ होगा हमारी तरफ। अभी देखो भाई उनकी मनमानी चल गई है भाई, हम तो अभी हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए इनकी मानेंगे भाई साहब। वो चेयरमैन आईसीसी का इनका है, हर चीज़ इनकी है, पैसे में ये भारी हमसे है, तो हम उनका कहना मानेंगे, ये हमारा मानेंगे भाई साहब। ये हमारे ना एंकर साहब जो भी बहुत बातें करते हैं, हमारी तो अभी बेइज्जती कर देते हैं भाई, ऐसे सवाल पूछते हैं। अभी देखो ये भाई क्लिप्स उठा करें इनका। बाकी ये जो दूसरे यूट्यूबर है ना, वो तो हमारे ज़्यादा हमारी वो बेइज्जती कर देते हैं। अभी देखो कितना हमें यार जिल्लत उठानी पड़ रही है। यूट्यूबर वाले पता नहीं कहाँ से ये बंदे पकड़ के लाता है, ये तो असल में है ही नहीं मीडिया वाले हमारे यहाँ तो, ना ARY ना जियो ना ही कोई सुपर वाले। पता नहीं ये कौन से नींद से उठ कर आ रहे, बस माइक उठाया चल शुरू हो जाए। दंगे फसाद भाई इंडिया में भी हो रहे हैं आए दिन, वहाँ का नाम नहीं ले रहा है भाई। तू तो मंजन भेज रहा है ट्यूबरो भाई साहब, आप अपने ही पेरे गृहमान में जाकर देखो हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, फिर पाकिस्तान के ऊपर आओ। पॉलिटिक्स चल रही है ना यहाँ पर, हमारा भी ये नजर सेठी वो भी पॉलिटिक्स में, आपका जय शाह का बेटा वो पॉलिटिक्स नहीं है अभी, जो भी भाड़ में जाए क्रिकेट को सपोर्ट करो ना भाई। कौन सी सियासत घुसे रहे हो बीच में भाई, स्पोर्ट को स्पोर्ट खेलो ना भाई साहब। वहाँ भी कार्ड खेल रहा है पैसे वाला, यहाँ वाला भी बोले पैसे वाला कार्ड। क्रिकेट को कौन सपोर्ट कर रहा है, वो बोलता है यहाँ पर टेररिस्ट है, हम बोलते हैं वहाँ पर टेररिस्ट है। भाई कहाँ है, कौन सी जगह सेफ है आपके लिए, चांद पर ग्राउंड बनाया क्या, वहाँ पर खेलो भला। और भाई क्या बात है, वो बोलते हैं हमारे को जो पैसे मिलेंगे ना फिर हम वो मुल्लाओं को देंगे भाई, मुल्ला
हमारे ग्राउंड भाई बन रहे हैं अच्छे इस बार चैंपियन ट्रॉफी की वजह से। अच्छा हुआ वो भी पुराने जमाने के थे, शुक्र है वो भी अच्छे बन रहे हैं ना। मुल्लाओं को हम खुद परेशान हो रहे हैं भाई साहब, मुल्लाओं को काट देंगे क्या यार। आप भी पहले आओ पाकिस्तान में घूमो, फिर विजिट करो, बाद में ना आप मंजन ये बेचो, ऐसा नहीं करो भाई। क्रिकेट को समझो, स्पोर्ट को समझो भाई। ना मैं देखो ना, इंडिया वाले आएंगे तो और मजा आ जाएगा भाई, तगड़ा हो जाएगा। बाहर खेलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना भाई, दुबई श्रीलंका ये वो। जहाँ पर देश में पाकिस्तान में आओ तो आपको सिक्योरिटी के भी पता चले भाई कैसा है। अंग्रेज बोलते रहते भाई जो जितने भी आए भाई सुपर, एक बार ट्रस्ट तो कर लो ना भाई साहब, वो पुरानी बातें थी वो खत्म कर दो।